चक्रवाती तूफान दाना ने किस कदर तबाही मचाई ये आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएगा। बंगाल की खाड़ी से उठा ये दाना तूफान अपना असर अब कई राज्यों में दिखाने लगा है। ओडिशा के तट पर टकराने के साथ ही बिहार के कई जिलों में जहां बारिश हो रही है, तो वहीं यूपी में इस चक्रवाती तूफान के कारण मौसम बदल सा गया है। यूपी के कई जिलों में बीते 24 घंटों से आसमान में बादल छाए हुए हैं और नम हवाओं के कारण तापमान में कमी भी रिकॉर्ड की गई है। यूपी के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दाना तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता और हावड़ा में 4 लोगों की जान चली गई, तो वहीं ओडिशा में इस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई। तूफान से 1.75 लाख हेक्टेयर इलाके में फसल बर्बाद हो गई, तो वहीं कई लोग इससे प्रभावित भी हुए। देखिए अग्निशमन सेवा दल और स्थानीय पुलिस ने किस तरह से लोगों का रेस्क्यू किया। दाना तूफान का असर बंगाल, बिहार, ओडिशा के बाद अब यूपी पर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। चित्रकूट, कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, मऊ, गाजीपुर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है, तो वहीं आज दक्षिण पूर्वी के 17 जिलों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। बता दें कि दाना तूफान का यह असर कई राज्यों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की भी परेशानी बढ़ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।